हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक CSE सेंटर के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर आप CSE के OTP और मैसेजेस वगैरह रिसीव कर सकें। वैली बनने के लिए आपकी उम्र 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। जिस जगह आपको सेंटर खोलना है आप उसी जगह रहते हों। अगला ऑप्शन है माननीय प्राप्त बोर्ड से 10वीं तक की परीक्षा में पास किया हो। इससे अगला कंप्यूटर में कौशल ज्ञान होना चाहिए, कम से कम बेसिक तो कर ही रखा हो। आपका अगला ऑप्शन है आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप कोई मोडेम या नेट सेटर लेकर भी काम चला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए। आप मोरफो या मंत्रा डिवाइस परचेज कर सकते हैं। एक कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। एक प्रिंटर आपके पास होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप कोई भी सस्ता सा प्रिंटर बाय कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके पास एक इन्वर्टर होना चाहिए जो कम से कम 4 घंटे का बैकअप दे सके। ये तो बात हो गई कि CSE के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम बात करेंगे कि एक CSE वैली बनने के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आपके पास आधार नंबर, वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, उसी पासबुक का एक कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज आप कैसे भी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बताया है। अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।